दोस्तों, स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। फल सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, वहीं सीजन में आने वाले फलों पर तो लोगों की खास नजर रहती है। इसी के चलते बच्चों की डिमांड पर एक महिला घर में तरबूज लेकर पहुंची। जैसे ही उन्होंने तरबूज रखा, उसमें ऐसा कुछ ऐसा निकला कि महिला और बच्चे देखकर दंग रह गए। उन्होंने इसकी सूचना जिला प्रशासन और फूड विभाग को दी, लेकिन उनके कोरी एक्शन न लेने पर अब महिला ने इसकी शिकायत प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ को दी है। नोएडा के सेक्टर 23 में सिद्धि अपने परिवार के साथ रहती है। उन्होंने बताया कि वह बच्चों की डिमांड पर शुक्रवार को गर्मी का सीजनल फल तरबूज लेकर आ रही थी। उन्होंने यह तरबूज घर के सामने की मार्केट से खरीदा था। सिद्धि अग्रवाल ने तरबूज को ठंडा होने के लिए कुछ देर रखा ही था कि उसमें से झाग निकलने लगे। यह देख सिद्धि के साथ ही उनके बच्चे भी दंग रह गए। सिद्धि ने तुरंत इसकी सूचना जिला प्रशासन और फूड अग्रवाल को दी, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि घंटों के इंतजार के बाद भी कोई भी अधिकारी इसके सैंपल भरने नहीं पहुंचा, जिसके बाद महिला ने ये कदम उठाया। इन दिनों तरबूज की बढ़ती डिमांड की वजह से उसे जल्द पकाने के लिए केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है। केमिकल से तरबूज पकने के साथ ही वह जल्द ही लाल और बड़ा हो जाता है, लेकिन यह सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। इससे पेट में संक्रमण हो सकता है। आपको बता दें कि फलों को समय से पहले पकाने के लिए एथिलीन गैस कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। पीएमआरसीएम को ऐसे की शिकायत। तरबूज से झाग निकलने व उसके सैंपल के लिए जिला प्रशासन से लेकर फूड विभाग से शिकायत करने के बाद भी किसी अधिकारी के न पहुंचने से नाराज सिद्धि अग्रवाल ने इसकी शिकायत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से की है। उन्होंने सीएम को पत्र लिखकर इसकी शिकायत देते हुए अधिकारियों द्वारा सूचना देने पर भी कोई एक्शन न लेने के विषय में पत्र लिखा है।